मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सारणी के श्रम कल्याण केंद्र में पुलिस जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सारणी एसडीओपी रोशन कुमार जैन, थाना प्रभारी अरविंद कुमार, नायब तहसीलदार संतोष पथरिया मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशानुरूप एवं पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा जारी आदेशानुसार आज रविवार दोपहर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड सारणी के श्रम कल्याण केंद्र में पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सारणी एसडीओपी रोशन कुमार जैन, थाना प्रभारी अरविंद कुमरे, नायब तहसीलदार संतोष पथरिया मौजूद रहे। जनसंवाद हेतु नगर के आमजन, गणमान्य जन प्रतिनिधिगण, सभी व्यवसायियों, अधिवक्तागण, डॉक्टर्स, शिक्षाविदों एवं पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित किया गया था। जिन्होंने नगर की सुरक्षा, सड़क दुर्घटना, स्कूल समय पर गश्त जैसे बिंदुओं पर सुझाव रखे, एसडीओपी रोशन कुमार जैन ने सभी की बातें सुनी और संतुष्टिपूर्ण समाधान देने हेतु आश्वस्त किया। देखिए एससीएन न्यूज इंडिया में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ के प्रशिक्षणार्थी रंजेश काकोड़िया की एक रिपोर्ट। सर, आज जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया था सर, तो किस उद्देश्य रखा गया था सर? ये पीएचक्यू के ऑर्डर से आज 3 मार्च 2024 को जनसंवाद का कार्यक्रम लगभग एमपी के सभी थानों में रखा गया है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति भी है। जी, उसी के तहत थाना सारणी में जी श्रम कल्याण केंद्र में संयुक्त रूप से जी सारणी के जितने भी पार्टी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि हैं, व्यापारिक संगठन के प्रतिनिधि हैं, WCL, PGCL के प्रतिनिधि, अन्य मीडिया और अन्य जितने भी गणमान्य सभी को बुलाया गया था, और संयुक्त रूप से पुलिस उनके मध्य में आपस में टू वे कम्युनिकेशन रखा गया था, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई थी। जी, और इसमें क्या सुझाव मिले सर? इसमें प्रमुखता से ये सुझाव था कि CCTV का नगर पालिका क्षेत्र के सभी जगह पे लगे होने चाहिए, जिसमें हमारे द्वारा उनसे बात भी की गई, साथ ही हमारे द्वारा भी उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि जितने अधिक से अधिक हो सके जो सक्षम है वो लोग भी अपने गृह क्षेत्र, घर के बाहर या फिर दुकान में जो भी व्यवसाय क्षेत्र वहाँ पर लगाया जाए जी। और इस तरीके से लगाया जाए कि उनके माध्यम से रोड भी कवर हो सके जी। इसके अतिरिक्त यातायात को लेकर के भी लोगों ने अपनी बात रखी, जिस पर भी हमारे द्वारा उनको पॉजिटिव दिया गया, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। कुछ स्कूलों पर के बाहर छुट्टी होने के पास छुट्टी के समय या आने के समय दोनों के समय ही पुलिस की पेट्रोलिंग, उस पर भी हमारे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया कि हमारे द्वारा वहाँ पर पेट्रोलिंग होगी। साथ ही जो सहायता केंद्र है वहाँ पर भी उपस्थिति को लेकर के बात हुई, जिस पर हमारे द्वारा उनको पॉजिटिव रूप से सभी पर हमारे द्वारा आश्वस्त किया गया। जी, थैंक यू सर।